राधे, जय श्री कृष्णा। आज सुबह सुबह रसोई में क्या करने लगी जल्दी आकर? गुड मॉर्निंग सभी के लिए। रसोई में सुबह सुबह क्या, अमावस है, कल अमावस थी पूरे दिन की, लेकिन पंडित जी ने बोला कि आज 8 बजे की अमावस है और अच्छा रहेगा सुबह सुबह जो है, तो मैं अमावस वो मनाऊंगी और मैं सुबह जल्दी 5:30 बजे नहा धोकर तैयार होकर इसमें बनी आलू टमाटर की सब्जी, इसमें खीर बन रही है और आटा गूंद रही हूँ मैं, फिर खाना बनाऊंगी। और क्योंकि बेटी जाएगी कॉलेज तो सुबह सुबह फिर जाना पड़ा इसलिए जल्दी, और मैं बनाती हूँ खाना फिर देखना। ओके ये खीर बन गई है। हमारे घर में एक छोटे से बच्चे हैं, वो सबसे पहले खाते हैं। लड्डू गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी। खीर बनी है गाय के दूध की, और ये आलू टमाटर की सब्जी है, बड़ी कलरफुल लग रही है। ये पूड़ी बन रही है, सुबह सुबह आज अमावस्या मनाई जा रही है, कल से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। और आप देख ही रहे होंगे कि मतलब रात में मैं सो नहीं पाई हूँ बिल्कुल, चेहरा भी दिख रहा होगा थोड़ा सूजा सूजा सा हो रहा है, रात में नींद ही नहीं आई मुझे, इतनी बेचैनी लग रही थी और थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए मैं रात में नींद नहीं आई। कल दिन में ज्यादा काम किया था, थकी हुई और दर्द होने के चांस, दर्द हो गए होंगे शरीर में क्योंकि घुटनों में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। पूरे शरीर में इतनी बेचैनी थी, घुटनों में तो थी लेकिन पूरे शरीर में इतनी बेचैनी, रात में मैं सो ही नहीं पाई बिल्कुल भी, बार बार उठती रही बैठ रही, फिर मैंने थोड़ा मोबाइल चलाया, फिर सो नींद नहीं हो बिल्कुल, मतलब सुबह के टाइम थोड़ी नींद लगने लगी, फिर इतने जगने का टाइम हो गया, थोड़ा जल्दी जगना पड़ा यार, मावस है, शादी आएगी कॉली तो इसलिए थोड़ा जल्दी जग गई। और मैं खाना बना के फिर पूजा करूंगी, मैंने घर में पूजा नहीं की है, अभी करूंगी। कौन जाएगा कॉली? बेटी, बेटी कॉली जाएगी। जल्दी की वजह से बड़े पे मैंने रख दी है, ये चाय बनने को मेरा खाना तो बन चुका है, अभी चित्रों का निकालना बाकी रह रहा है, ठंडा कर रखा है क्योंकि गर्म खाना नहीं निकालते, और मैं जाली पंखे में ठंडी करने पूड़ियां और सब्जी। चाय बनाई जा रही है, निकल ना जाए कभी एक काम के 2-3 हो जाए। चाय पी रही हो? हाँ चाय पी रही हूँ, काम खत्म हो चुका, खाना बन गया, बेटी कॉलेज चली गई और फिर अब मेरा काम खत्म हो चुका है, मैं पी रही हूँ चाय, अभी गई है वैसे गर्म ही है चाय, और आप भी पी लो चाय, आपकी भी रखी हुई है वहाँ पे रसोई में रखी है, चाय पी लो आप भी। ठीक ओके, तो आप भी सब चाय पी लिए, सुबह का टाइम है तो अगर सो के जगे हो तो नींद भी खुल जाएगी, और सब चाय पी लिए मैं तो चाय पी रही हूँ और गिलास में पीती हूँ मैं चाय। शाम का टाइम हो गया है और मम्मी को फीवर चढ़ गया है, कल रात फीवर था और अभी उन्हें दोपहर में पता चला, उन्हें लग रहा क्यों प्रॉब्लम हो रही है, उनको बॉडी में पेन हो रहा है, पापा आ गए, मम्मी पूरी रात नहीं सो पाई बेचारी फीवर में। हाँ तो अभी शायद वो डॉक्टर के पास जाएंगी रात में, मतलब और अब पापा खाना खा के और पापा डिनर कर रहे हैं, उसके बाद जाएंगे मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर, अब देखते हैं क्या दवाइयाँ वगैरह क्या है, क्योंकि अभी डर भी और माता रानी का सामान भी लेकर आना है, और हाँ कल वो मिल नहीं पाया और अब मम्मी बोला भी नहीं जा रहा है, अब चलो पंचक थे और अभी जाएंगी सामान लेकर आएंगी, पहले डॉक्टर के जाएंगी दवा वगैरह खाएंगी फिर आकर वो खाना खाएंगे, उनका मन नहीं हो रहा, कड़वा कड़वा मुँह हो रहा है, तो अभी इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं क्योंकि मम्मी ठीक है दिखा देना, अब जब मम्मी सामान ले आएंगी तो आपको सामान भी दिखा देंगे, पर अभी मैं अपनी तरफ से इस ब्लॉग को यहीं खत्म करती हूँ, फिर मम्मी कर लेंगी, बाय बाय। बाजार से और बाजार हो चुका था बंद, काफी हद तक बंद हो गया था, बहुत कम ही खुल रहा था क्योंकि ऑफिस से जो हो गए थे लेट, और फिर खाना वगैरह खाया 8:30 करीब तो ऑफिस आए, फिर लेट होकर खाना वगैरह खाया, अब मैं जरूरत का सामान थोड़ा सा लेके आ गई हूँ और फिर मैं जाऊंगी, फिर बाद में लेके आऊंगी सामान, कल जाऊंगी या तो फिर कल रात वगैरह या फिर परसों जाऊंगी, थोड़ा बहुत सामान।
भी नहीं मिल पाया, डीमार्ट बंद हो चुका था, अंदर ही एंट्री नहीं दी उन्होंने, अंदर तो जाने नहीं दिया, डीमार्ट बंद हो चुका था। और मैं घर से व्यवस्था करूंगी दूध जलाने की, क्योंकि इतनी सभी बोली पाई की व्यवस्था और स्वाति चाय की कौली, तो मैं लेके आ रही हूँ कि थोड़े ये केले ले आई हूँ, मंडी भी बंद हो चुकी थी, थोड़ा थोड़ी बहुत ही खुल रही थी, तो ये थोड़े से केले लेके आ रही हूँ मैं। और ये लेके आई हूँ, ये क्या है, कपूर ले आई हूँ मैं, इकट्ठा ही ले आती हूँ, यही ठीक होता है जो खुला हुआ, काफ़ी सारे इसमें निकल जाते हैं। और ये मैं आम की चटनी इनसे मंगा ली थी मैंने, दिन से ही मैंने बोल दिया था कि लेके आना, तो ये लेके आ गई थी, सभी व्यवस्था नहीं हो पाती आम की। और ये मैं लिया नारियल, ये पान है, ये नारियल है, और ये एक दो जोड़े कपड़े हैं मैया के, ये देख एक जोड़े ये हैं, ये पोशाक है, ये देखिए पोशाक जारी लग रही है ना, हाँ मैया पोशाक है, पोशाक मैया की है, और एक जोड़ी मैं ये ले आई हूँ, ये मैया जोड़े लेके आ गई हूँ, एक चुंदड़ी है मेरे पास ये लेके आ गई हूँ, और ये है गूगल, और मैं खुले ही लेके आती हूँ किराना की दुकान से, ये है हमारी सुपारी, और ये है ये जायफल है, और ये है सुपारी, तो मैं किराना की दुकान से ले आई हूँ, पैकिंग के नहीं लाती हूँ मैं, काफ़ी दिन से पैकिंग के नहीं लाती हूँ मैं, खुले ही लेके आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे इतना ही अच्छा लगा। और इलायची कहाँ है, इलायची लाई हूँ वैसे मैं, पता नहीं किधर कहाँ रख दी जाती है, इलायची का पैकेट भी आपको दिखा देती हूँ, और ये है हमारी इलायची का पैकेट, इलाजी छप रही है इसके ऊपर, बस अब मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, फीवर हो रहा है, मैं सवेरे भी बता रही थी मावस जब मना रही थी कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, रात भर मैं सोई नहीं हूँ, मेरा चेहरा भी आपको दिखाई दे रहा होगा, और मुझे ये भी पता नहीं थी कि फीवर हो रहा है पूरा, बड़ी मुश्किल से मैंने मावस का काम करा, खाना वाना बनाया, उसके बाद मैंने कोई 11:30 करीब मैंने नाप के देखा, थर्मामीटर लगाया कि डल बहुत ज़्यादा डल हो रहा था, तो मेरे को 101 बुखार हो रहा था, और मैं सोच रही थी कि पता नहीं मुझे क्यों बुखार हो रहा है, मतलब पता ही ना क्यों हो गया बुखार, रात भर में भी बुखार ही हो रहा होगा, क्योंकि मैं बेचैनी बहुत थी, बिल्कुल रात भर मैंने बैठ के काटे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि बुखार है, थर्मामीटर मैंने लगा के ना देखा, और मैं सोच रही थी कि ऐसी हो गई होगी बेचैनी, पता नहीं मुझे। और मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और गुड नाइट, शुभ रात्रि, एंड बाय, लाइक करें शेयर, और आप ही करा दीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अधिक से अधिक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संबंधित कराएं, धन्यवाद।